मोदी ने उज्ज्वला योजना के अयोध्या के लाभार्थी परिवार को तोहफा भेजा और चिट्ठी में लिखा, दरअसल पीएम मोदी 30 दिसंबर को अपनी अयोध्या यात्रा के दौरान मीरा मांझी के घर गए थे। अयोध्या में रहने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी मीरा मांझी के परिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्र के साथ उपहार भेजे हैं। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अपनी अयोध्या यात्रा के दौरान मीरा मांझी के घर गए थे। अपने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने मांझी परिवार को नए साल की शुभकामनाएं दी और चाय पिलाने के लिए शुक्रिया करते हुए ये बताया कि वे उनके साथ मुलाकात को कितना महत्व देते हैं। बस्ता दिए हैं, बेद दिए हैं, टिफिन दिए हैं, कापी दिए, पेन दिए हैं। क्या करोगे इसका? पढ़ेंगे, खेलेंगे। उन्होंने गिफ्ट भेजा हमारे बच्चों के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। और बस्ता दिए हैं, कॉपी दिए हैं, टिफिन दिए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। और मतलब नए वर्ष की मतलब शुभकामनाएं भी जो हमको भेजे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। मीरा मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से परिवार को मिले तोहफों के लिए आभार जताया है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि प्रधानमंत्री उनके परिवार की आर्थिक हालत सुधारने में मदद करें और उनके पति को कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा दें। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हाँ, हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ किए, हमें बहुत अच्छा लगा। अब बस यही उनके लिए वो है कि हाँ, हमारे हस्बैंड को थोड़ा बहुत कहीं भी छोटी मोटी नौकरी दे दे कि आगे चल के हमारे बच्चों के लिए थोड़ा भविष्य उनका सुधर जाए। बस यही मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हाँ, हमारे बच्चों लोग का थोड़ा भविष्य बन जाए आगे चल के। मीरा मांझी उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी हैं। ये योजना गरीब परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस उपलब्ध कराती है। इसका फायदा ग्रामीण और शहरी दोनों इलाके में रहने वाले गरीब परिवारों को मिलता है। 30 दिसंबर को अयोध्या यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मीरा मांझी के घर जाकर चाय पी थी और सबको हैरान कर दिया था।